हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ द लाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इनसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत लोगों को पसंद है, लेकिन सही तरीके से इन्वेस्ट करना ये लगभग बहुत कम लोग या फिर ना के बराबर लोगों को पता है। आज के हमारे जो गेस्ट है वो पेनी स्टॉक्स या माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के एक्सपर्ट है। इन्होंने 1989 में अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी ख़त्म की और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस भी शुरू की और उस वक्त टाटा ग्रुप को ये एडवाइस भी करते थे। इसके बाद इन्होंने 2003 में अपनी खुद की रिसर्च फर्म शुरू की और लगभग पिछले 18 साल से ये रिटेल इन्वेस्टर्स की मदद कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग हिज रिसर्च। इनकी कंपनी CNI रिसर्च में ये फिलहाल CMD चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है और इनकी कंपनी ग्लोबल डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स जैसी कंपनीज के साथ इनके टाइप्स है और इंटरनेशनल लेवल के कंटेंट और रिसर्च प्रोवाइड करती है। तो चलिए स्वागत करते हैं किशोर ओसवाल जी का। वेलकम टू द शो किशोर जी, वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। थैंक यू वेरी मच। सो इसके पहले कि मैं पेनी स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करें, मैं काफी उत्सुक हूँ आपकी बाजार में जो जर्नी रही है, लगभग 30 साल की से भी ज्यादा की जर्नी आपकी रही है, तो आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तो देखे ही हैं, तो आप अपने इस पूरे 30 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। आपने क्या देखा, कैसा आपका अनुभव रहा है मार्केट में? देखिए, मेरा 30 साल का तजुर्बा तो ये बताता है कि मार्केट, हमारा शेयर मार्केट अब एक नॉर्मल स्पेक्युलेटिव या गैम्बलिंग मार्केट नहीं रहा है, इट हैज बिकम इंडस्ट्री। और जब तक ये आप ये हम समझेंगे नहीं कि ये इंडस्ट्री बन चुका है, यहाँ प्रॉफिट बनाना बहुत डिफिकल्ट है। इंडस्ट्री का मतलब है कि यहाँ सुपर प्रॉफिट्स चले गए, कैलकुलेटिव मूव के कारण हर कंपनी का एक हिसाब किताब होता है, हम उसमें उसकी वर्किंग करके ये जोड़ लेते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट आने वाला है, कितना बढ़ने वाला है, उसके हिसाब से शेयर का प्राइस कितना बढ़ सकता है इसकी वर्किंग करते हैं। हम गलत भी जा सकते हैं, सही भी जा सकते हैं, लेकिन वो वर्किंग करने के हिसाब से ही हम पोजीशन ले सकते हैं। और वो स्टॉक जैसे जैसे हमारी वर्किंग के अनुसार काम करता है वैसे स्टॉक प्राइस मूवमेंट देता है। और आधे से ज्यादा लोग, या इनफैक्ट मैं 90% बोलूं तो सही होगा कि 90% लोग शेयर मार्केट को इंडस्ट्री मानने को तैयार नहीं। वो तो ये समझते कि कहीं से मुझे टिप आ जाएगी, मैं खरीद लूंगा और रातों रात मैं अमीर बन जाऊं। और मेरी जर्नी में तो मैंने यही सीखा है पूरे 30 साल में कि ये स्पेकुलेटिव नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है, इसको इंडस्ट्री के तरीके लिया जाए तो हर आदमी आराम से पैसा बना सकता है। या सो डेफिनेटली जो आपने कहा कि एक इंडस्ट्री बन गया है और इंडस्ट्री में काफी सारे प्लेयर्स है, तो जो ओवरऑल लेवल ऑफ प्लेयर, जो कॉम्पिटिटिवनेस थी जो 30 साल पहले थी और जो अब है, वो काफ़ी बदल गई है। और जितना आसान शायद पहले जो पैसा बनाना हुआ करता था उतना अब नहीं रहा है, तो दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग एस्पेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, चैलेंजिंग एस्पेक्ट तब भी था, 30 साल पहले भी था, आज भी है, सिर्फ अभी टेक्नोलॉजी बदल गया है। जैसे पहले रिंग में जाके सौदा हुआ करता था, अभी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर पे सौदा होता है, यहाँ अल्गोरिथम लगा हुआ है, आप अल्गो लगाते हो तो सामने वाला सुपर अल्गो लगाता है, तो आपको जब तक ये समझ में ही नहीं आता है कि मेरा अल्गो लगा के मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सामने वाला सुपर अल्गो लगा रहा है, तो आपको बीट करके चला जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है लेकिन समझना डिफिकल्ट नहीं है, प्रोसेस वही है, स्टॉक का प्रोसेस वही है, वही प्रोसेस है, वही बैलेंस शीट खोलनी है, वही बैलेंस शीट के नंबर जोड़ने हैं, वही मैनेजमेंट से बात करना है, वही AGM अटेंड करनी है, वही कॉन कॉल अटेंड करना है, ये चीजें कुछ बदली नहीं है, बदला है सिर्फ प्रोसेस, नए फॉर्म में देख रहे हैं हम लोग। तो अगर हम एप्लीकेशन ऑफ माइंड ठीक से करें और प्रोसेस को ठीक से फॉलो करें तो सक्सेस मिलना है।
डेफिनेटली। तो आज हम आपसे पेनी स्टॉक्स या माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस सीखेंगे और समझेंगे, और मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि जनरली पेनी स्टॉक्स या मार्केट माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कशन नहीं होता, और सही तरीके से इन्वेस्ट करना, कंपनीज ढूंढना, ये तो रेयरली डिस्कस होती है। तो आज हम आपसे ये बहुत सारी बातें सीखेंगे, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। तो अब सबसे पहली चीज़ जो कि पेनी स्टॉक्स या माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें सोचनी चाहिए वो है एसेट एलोकेशन की। जनरली ऐसा कहा करते हैं कि आप 50-60% ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसे लगाए, जो भी आपका इक्विटी एक्सपोजर है, 25-30% आप मिड कैप स्टॉक्स में लगाए, और जो हाई रिस्क वाले जो स्ट्रैटेजीज है जैसे कि पेनी स्टॉक्स या माइक्रो कैप स्टॉक्स हो गए या फिर ट्रेडिंग वाला जो एलिमेंट हो गया, तो उसमें आप 5-10% अपने पोर्टफोलियो का लगाए। तो आप क्या रेकमेंड करते हो कि कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि शायद अभी अभी बाजार में उतरे हैं, उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए? मैं 3 के जगह पे इसको 4 कैटेगरी करूंगा। पहले 50% तो आपने जो सही बोला, या तो म्यूचुअल फंड में लगाइए या आप ए ग्रुप के शेयर्स में लगाइए। काफी लोग प्रीफर करते हैं कि हम खुद इन्वेस्ट करें, हम उनके लिए म्यूचुअल फंड से बेटर है कि वो डायरेक्ट शेयर खरीदे, बट व्हाटएवर वो म्यूचुअल फंड में भी रख सकते हैं पैसा। तो ये 50% पहले ही कैटेगरी में चला गया, 30% आपने सही बताया कि मिड कैप्स के लिए रखा जाए, और बचाओ आप 20% में से भी 10% में स्मॉल कैप के लिए, माइक्रो कैप के लिए रखूंगा जो प्रूवन है, जिसके नंबर्स आ चुके हैं, जिसका विजिबिलिटी दिख रहा है, ऐसे के लिए मैं 10% रखूंगा क्या वहां रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। और बचाओ लास्ट 10% में रखूंगा मल्टीबैगर्स पेनी स्टॉक के लिए। ठीक है, तो अब एक बार अगर हमने एक प्रॉपर असेट एलोकेशन अगर हम फॉलो करेंगे तो आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे रिस्क है वो लिमिटेड रहेगा और सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी बड़ी होगी। तो हमने ये देखा है कि पेनी स्टॉक्स अगर आप अच्छे चुन सको तो वो 10x, 20x, 50x भी हो सकते हैं। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं जहाँ पे अच्छे पेनी स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए और वो 10x, 20x, 50x हुए हो? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे जैन इरीगेशन है, स्टील स्ट्रिप्स इंफ्रा है, ग्लोबल ऑफशोर है, TTML है, सुबेक्स है, और पास में भी ऐसे कई सारे स्टॉक्स रहे हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया और वो सब 10x, 20x, 30x, 40x होते रहे हैं और ये आगे भी होते रहेंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है कि इन कंपनियों को ढूंढ पाना, और जरूरत है कि आप किस प्रकार से इस कंपनी तक पहुंच पाते हो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इन कंपनीज तक पहुंचने का क्या सही तरीका है, आप अपना जो प्रोसेस है वो हमें हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स भी ये जान सके जिसके लिए काफी उत्सुकता से वेट कर रहे हैं सब लोग। ना, मैं पहले मतलब पेनी स्टॉक को आगे मैंने जैसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि माइक्रो कैप और पेनी कैप, पेनी स्टॉक्स। तो पहले मैं माइक्रो कैप के बारे में थोड़ा बात करूंगा, फिर पेनी स्टॉक पे आता हूँ। माइक्रो स्टॉक में काफी इजी होता है क्योंकि प्रूवन नंबर्स होते हैं वहां पे। जैसे कोई कंपनी रेगुलरली परफॉर्म कर रही है, ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन उसका प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत कम है, 6 या 7 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है कोई स्टॉक। मैनेजमेंट भी अच्छा है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी भी ठीक है और सेक्टर भी अच्छा है, तो ऐसी कंपनी वी कॉल इट एज अ माइक्रो कैप कंपनी जिसमें हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, जैसे एमके एक्सिम हो, इंटीग्रा इंजीनियरिंग हो, एक स्विस मल्टीनेशनल है, 7 के पीए में मिल रहा है, तो इस प्रकार से जो कंपनियां होती है वो माइक्रो कैप कंपनी गिना जाता है। तो उसमें जो हमने 10% एलोकेशन किया है वो करना चाहिए, और बचा हुआ 10% जो आता है पेनी स्टॉक। और पेनी स्टॉक में ये जरूरी नहीं है कि ना वो इट इज अ फेमस से कि वट एवर ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसलिए हर पेनी स्टॉक अच्छा होगा ये जरूरी नहीं। स्टॉक प्राइस 500 से गिर के 2 हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेनी है और 2 का वो पर 10 होएगा या 20 हो सकता है। ये तभी वो कंपनी का प्राइस चलेगा जब उसमें कुछ रिवाइवल हो रहा है। तो हमको जब पेनी स्टॉक आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि कंपनी की हालात क्या है, सेक्टर क्या है, बिजनेस क्या है, प्रमोटर्स कौन है, प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी क्या है, प्रमोटर्स ने पास में शेयर बेचे या नहीं बेचे वो देखना है, और बैलेंस शीट पढ़ते पढ़ते हमको ये समझना है कि इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं,
काफी कुछ चेंजेस ऐसे, जैसे अभी सडनली एक शिपिंग इंडस्ट्री में $1,000 का रेट चल रहा था, वो सडनली $6,000 हो गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जहां हमको दिखता है कि प्राइस स्पॉट आने से अगर वो शिपिंग सेक्टर में भी कोई पेनी स्टॉक होगा तो अच्छा खासा वर्किंग करना चालू कर देगा। तो ऐसे हमको ये काफी कुछ देखना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी देखना चाहिए, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा स्टॉक आगे जाके टर्न अराउंड करने वाला है। अगर प्रमोटर की हिस्ट्री ठीक नहीं हो, उसकी नियति ठीक नहीं हो, वो शेयर बेचने वाला ही होगा तो रिवाइवल होने के बाद भी वो शेयर बेचेगा। ऐसे इस कंडीशन में आप पैसा नहीं बना सकते, प्रमोटर बना लेगा, आप नहीं बना सकते हो। तो सबसे पहले तो कोई भी कंपनी आपको पकड़े तो उसका प्रमोटर की इंटीग्रिटी आपको देखनी बहुत जरूरी। अगर प्रमोटर ने पास में कोई शेयर बेचा नहीं है, कहीं कोई गलत काम किया नहीं है, वो उसकी कंपनी पेनी सिर्फ हालात के कारण अगर बनी है तो सर्टनली देयर इज अ गुड चांस ऑफ रिवाइवल। उसके बाद हम सेकंड फैक्टर पे आते हैं कि डेट कितना है कंपनी में, और वो डेट में से कोई रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है क्या डेट। अगर डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। फिर हमें डेट का ब्रेकअप करके देखना चाहिए, डेट में से कितना डेट कम हो रहा है, बचा हुआ डेट कंपनी कैसे सर्विस करेगी, और वो डेट कम होने के कारण उसका प्रॉफिट कितना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली इंटरेस्ट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और इनकम टैक्स, ये तीन ही चीज होती है बड़ी अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। तो ये तीन कॉस्ट ही कोई भी प्रमोटर को हेवी पड़ती है, तो इस तीन कॉस्ट को अगर हम समझ लेते हैं तो हमको स्टॉक आइडेंटिफाई करने में काफी मदद मिलती है। तो आपने यहाँ पे सबसे दो जो इम्पोर्टेंट चीज कही है वो है, एक तो प्रमोटर हो गया और दूसरा है कि जो रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस छोड़ के जो दूसरे सब कॉस्ट है उनको आप हमें स्टडी करना चाहिए। तो अभी जो पेनी स्टॉक्स में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कॉमन रिटेल इन्वेस्टर को, वो है कि दे हैव लिमिटेड बैंडविथ एंड दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द प्रमोटर्स, या जो आप जैसे अगर एक एक्सपर्ट अगर जाके मिल सकता है या प्लांट देख सकता है, वैसा कोई कॉमन रिटेल इन्वेस्टर वो नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई मापदंड है, या आर देर एनी रेड फ्लैग्स विच कॉमन इन्वेस्टर कैन सी के बिफोर इन्वेस्टिंग के प्रमोटर? तो आपने एक चीज़ तो बताई कि अगर प्रमोटर ने माल बेचा हो, या अगर कॉन्स्टेंटली वो बाजार में आके अपना स्टॉक बेच रहा है या फंड रेज कर रहा है, तो दैट कुड बी अ रेड फ्लैग। बट वॉट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ कैन वन एनालाइज द प्रमोटर्स क्वालिटी? मैं एक जनरली आपको एक गाइडलाइंस देना चाहूंगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि ये इतनी फैक्टर्स है जिसको देखने से उनको पता चल सकता है कि ये कंपनी रिवाइवल कर सकती है या नहीं कर सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमोटर, जैसे हमने पहले भी बात किया, प्रमोटर अच्छा है या नहीं है ये तो हम देखेंगे ही। उसके साथ हमने ये भी देखना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। अगर कंपनी के पास कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं तो कंपनी रिवाइव कर नहीं सकती है। कंपनी ट्रबल में है ये तो समझ सकता हूँ, लेकिन देयर हैज टू बी अ बिजनेस मॉडल। कंपनी के पास कोई बिजनेस मॉडल होना चाहिए जिसके ऊपर कंपनी वर्क कर रहा है, तो वो हमको देखना जरूरी है। और उसके बाद बिजनेस मॉडल स्केलेबल है कि नहीं ये देखना जरूरी है। हर कंपनी पेनी इसलिए बनती है, जो मैं जो ऊपर से गिरी हुई कंपनियों की बात कर रहा हूँ, वो पेनी इसलिए बनती है कि उनके पास वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम आ जाती है। और ये सभी केसेस में हमने ये देखा है कि ये लोग लॉन्ग टर्म लोन जो लेते हैं वो वर्किंग कैपिटल में शिफ्ट कर देते हैं, इसलिए उनको ट्रबल आती है। तो हमको इस वक्त चेक करने के लिए ये चेक करना है कि इस कंपनी में एडिशनल फंड्स डाले हैं तो ये कंपनी क्या कैश पॉजिटिव बन सकती है, टर्न अराउंड आ सकता है क्या। इस वक्त कैश है नहीं, लेकिन हमको हाइपोथेटिकली ये सोचना है कि कोई इन्वेस्टर आके कैश डाले या प्रमोटर कैश डाले तो ये कंपनी चेंज हो सकती है क्या, सिनेरियो चेंज हो सकती है क्या। तो इसके लिए हमको उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी देखना पड़ेगा कि पिक पे क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर रहा था, और अगर आज की सेलिंग प्राइस पे अगर मैं पिक रेट लेता हूं तो कितना सेल बन सकता है। अगर आज अगर 25 करोड़ का सेल है मान के चलो, और वो पैसा डालने के बाद भी 50 करोड़ तक ही जाने वाला है, तो उसमें मेरे को कोई स्कोप नहीं दिखता है। 25 करोड़ की कंपनी में अगर मैं स्वीटनर डालूं, कुछ पैसा डालूं, और वो 250 करोड़ की या 400 करोड़ की कंपनी बन पाने वाली है तो डेफिनेटली इट इज अ केस फॉर मल्टीबैगर। उसके आगे हमें सेल्स टू इक्विटी रेशियो भी देखना है कि कंपनी के इक्विटी के कंपैरिजन में सेल्स कितना कर पाती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्कोर करना, इफिशियंसी लेवल। अगर प्रमोटर को 1 रुपया हम नया डालते हैं और वो सिर्फ 4 या 5 का ही सेल
निकालने वाला है तो इट इज नॉट वर्थ। 1 रुपया एडिशनल डालने के बाद वो 8 या 10 का सेल निकालता है तो डेफिनेटली इट इज एफिशिएंट कंपनी, वो आगे जाके काफी अच्छी कर सकती है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के तो हम बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि डेट कितना रिड्यूस हो रहा है, वो डेट के कारण इंटरेस्ट कितना कम होने वाला है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ने वाली है, उससे ईपीएस कितना बढ़ेगा। आज लॉस है लेकिन डेट कम होने के बाद हो सकता है कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। जहां हमको ये सिचुएशन समझ में आएगी ये कंपनी मल्टीबैगर बन जाती है। और जहां आपने बोला कि इन्वेस्टर की पहुंच नहीं है तो इन्वेस्टर को ऐसी कंपनियों में जनरली एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करना चाहिए। एजीएम अटेंड करने से शेयर होल्डर कैन आस्क क्वेश्चंस टू मैनेजमेंट, उनका डेट रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान भी पूछ सकते हैं और मैनेजमेंट को वो बताना पड़ेगा। छोटा भी शेयर होल्डर हो तो उसके राइट्स बड़े शेयर होल्डर जितने ही है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास रीच है उनके पास रीच नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग जा पाते हैं क्योंकि हम इस प्रोफेशन में, इन्वेस्टर नहीं जा पाते हैं क्योंकि इन्वेस्टर टिप्स पे भरोसा करते हैं, प्रोफेशन में नहीं आए। मैंने पहले ही बताया था कि अभी एक इंडस्ट्री बन चुका है तो अगर हम इंडस्ट्री के तरह से में काम करेंगे ना तो कोई भी आदमी कहीं भी पहुंच जाएगा। पर अगर आप हम टिप बेसिस पे काम करेंगे कि मेरे को पान वाले ने बताया मैं ले लेता हूं तो पैसा डूबना ही है। सो जैसे कि आपने बताया कि सेल्स टू इक्विटी इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल क्राइटेरिया दैट यू यूज, तो आप जब हमारी पहले बात हुई थी तो आपने बताया था कि आप लगभग 10 का रेशियो फॉलो करते, तो अगर इक्विटी मान लीजिए 1 रुपया है और अगर सेल्स 10 रुपया या उससे ज़्यादा हो तो ही वो कंपनी में इन्वेस्ट करते, तो दिस कुड बी अ गुड स्क्रीनर टू आइडेंटिफाई गुड पेनी स्टॉक्स। तो इसके अलावा और क्या क्या स्क्रीनर्स है जो कि आपको एक मतलब पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना घास के ढेर में से सुई ढूंढने जैसा है, तो कुछ स्क्रीनर्स अगर मिल जाए आपसे तो 3 या 4 ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक तो प्राइस टू बुक वैल्यू, दूसरा है प्राइस अर्निंग रेशियो। अभी मेरे ख्याल से प्राइस अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों पेनी स्टॉक में वर्क नहीं करता, क्योंकि वो अच्छे स्टॉक जब माइक्रो स्टॉक बनेगा तब जाके हमको प्राइस टू प्राइस अर्निंग रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू विल वर्क। बट यहाँ सबसे बड़ा रेशियो जो आपको हेल्प करेगा वो इक्विटी टू सेल्स। अगर स्टॉक पेनी है लॉस में कर रहा है इसके बावजूद वो सेल्स बना रहा है, इक्विटी के कंपेरिजन में 10 के स्कोर में सेल्स बना रहा है या 8 भी बना रहा है और स्कोप है 10 तक जाने का, तो वो मैचअप कर सकता है, उसका जो लॉस हो रहा है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जिसका सेल्स का स्कोर ही नहीं है उसको आगे जाके वो सेल्स मैचअप करना बहुत डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट केस बन जाती है। तो इसके अलावा पेनी स्टॉक्स में एक दिक्कत जो लोगों को आती है वो है वॉल्यूम्स की, तो काफी बार लोग वॉल्यूम्स पे बहुत फोकस करते हैं कि वॉल्यूम्स अगर हो तो ही वो वैसे पेनी स्टॉक्स लेते और वरना नहीं लेते, तो आपका काफी अलग नजरिया है वॉल्यूम्स को लेकर, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। वॉल्यूम का नजरिया तो पेनी स्टॉक में नहीं है, सभी लार्ज स्टॉक में भी लोग वॉल्यूम को चेस करते हैं एंड दैट इज अ रॉन्ग क्राइटेरिया, एब्सोल्युटली रॉन्ग क्राइटेरिया। जहां तक मेरे इन्वेस्टरों के साथ इंटरेक्शन होता है तो मैंने काफी बार मेरे इन्वेस्टर को ये पूछा है कि भैया तेरे को लेना कितने शेयर है, तो बोलता है 500 शेयर। मतलब 500 शेयर जब लेना है तो तेरे को 1 करोड़ का वॉल्यूम क्यों चाहिए, बोलते साहब अच्छा लगता है देखने के लिए। तो अच्छा देखना है कि तेरे को पैसा बनाना है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब आपको अगर कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो उसमें वॉल्यूम की क्या जरूरत है आपको, वॉल्यूम ऑपरेटर का काम है, हमारा काम नहीं है। ऑपरेटर को साइज चाहिए, वो साइज लेने के लिए वॉल्यूम किए बगैर उसको शेयर नहीं मिल सकता है। जिसको 1 करोड़ का शेयर लेना है उसको 10 करोड़ का वॉल्यूम होगा तो वो 1 करोड़ शेयर बाय करेगा। ब्रोकर्स की भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, एक्सचेंज की भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि सर्टन वॉल्यूम का ही आप सर्टन परसेंटेज ले सकते हो, पर रिटेल के लिए क्या, 500,000 शेयर लेने वाले के लिए वॉल्यूम का दिक्कत ही नहीं। और दूसरी बात, वॉल्यूम आपको काफी टाइम मिसगाइड कर सकता है। काफी टाइम क्या होता है कि जैसे आप पीसी ज्वेलर्स में ले लो या मनपसंद में ले लो कि बड़ा वॉल्यूम देख के लोग उसमें घुस रहे थे कि ये वॉल्यूम है अच्छा है ले लो, बाउंस करेगा, पेनी हो गया तो क्या वापस पीसी चल जाएगा, बट थिंग डजंट हैपन दैट वे। आपको वॉल्यूम के बजाय फोकस करिए कि कंपनी रिवाइव कहाँ हो रही है। अगर आप एक बार कन्विंस हो गए कि कंपनी रिवाइव हो रही है फिर वॉल्यूम है या नहीं है आपको शेयर खरीदना,
वॉल्यूम कोई फर्क नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है मार्केट में। और दूसरा डर, दूसरा खतरा और भी है, वॉल्यूम वाली स्क्रिप्ट में जाने का सबसे बड़ा खतरा है कि हम कहीं पंप और डंप के ट्रैप में नहीं फंस जाओ। सो जैसे कि आपने रिवाइवल वाले स्टॉक्स की बात की कि स्टॉक्स में अगर रिवाइवल आ रहा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम है या नहीं है हम ये खरीद सकते हैं, तो आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमें बता सकते हैं कि जहां पे ऐसे रिवाइवल्स हुए या और आपने उस वक्त कंपनीज में क्या देखा, लाइक व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, व्हाट वाज द चेंजिंग इन दोज कंपनीज बिफोर दे वेंट ऑन टू बिकम मल्टीबैगर्स। सुबेक्स, बेस्ट एग्जांपल इज सुबेक्स। सुबेक्स का भाव 4-5 रुपए रहता था और तभी सुबेक्स ने अपनी रिवाइवल स्कीम फाइल की है, इक्विटी रिडक्शन। अभी क्या होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमको ध्यान देना चाहिए। कंपनी की जब इक्विटी बड़ी होती है तो उसको सर्विस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस प्रोमोटर ने क्या किया, हमारी 90% इक्विटी को रिडक्शन कर दी। बिजनेस तो है उसके पास, जैसे मैंने आप पहले से भी ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमको पहले बिजनेस और स्केलेबल बिजनेस हो सकता है नहीं, ये पहले चेक करना है। सुबेक्स के पास दोनों था, बिजनेस भी था स्केलेबल भी था, क्या नहीं था तो इक्विटी बढ़ा था, तो उसने इक्विटी रिडक्शन कर दी। और जैसे इक्विटी रिडक्शन किया तो वो छोटी इक्विटी पे हायर सर्विस करने लग गया और उसका प्राइस रिवाइव हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे अभी 3i भी कर रहा है और रिसेंटली ग्लोबल ऑफशोर ने भी किया इक्विटी डेट रिडक्शन किया। तो ये सब चीजें अपने को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनाउंसमेंट से भी मिलता है कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है। अब ग्लोबल ऑफशोर का एक एग्जांपल देता हूं, अभी मार्च 2021 की जो रिजल्ट्स आए थे उसमें उन्होंने लिखा, मैनेजमेंट ने ये लिखा कि मेरा 1150 करोड़ का डेट घट के 130 करोड़ पे आ गया, 130 करोड़ पे आ गया और मेरी एसेट वैल्यू 585 करोड़। और आगे उसने ये भी लिखा कि 130 करोड़ डेट भी मैं अगले 18 महीने में रीपे करने वाला हूं। उस वक्त कंपनी का भाव पांच रुपया था। दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ अ परफेक्ट रिवाइवल एंड अ परफेक्ट मल्टीबैगर। वी रेड दैट एंड वी बॉट ऑल्सो एंड वी सजेस्टेड एवरीबडी टू बाय दिस बिकॉज दिस इज वॉट हैपनिंग। आज उस स्टॉक का भाव है 49 रुपीज और 52 वीक हाई पे है। अभी उसमें शिपिंग रेट्स के चेंजेस भी आ रहे हैं, तो जैसे जैसे चेंजेस आते रहेंगे वैसे वैसे प्राइस पे इंपैक्ट आता रहेगा। बट द फैक्ट इज दैट मैनेजमेंट ने ये अनाउंस किया कि मेरा डेट कम हो गया, तो सडनली कहां हम 1150 करोड़ का डेट देखते हैं, कहां 130 करोड़ का डेट देखते हैं और सामने एसेट क्वालिटी देखते हैं, एसेट देख रहे हैं 2.5 करोड़ शेयर्स है। तो हम अगर लेमन लैंग्वेज में भी कैलकुलेट करते हैं तो वे 600 करोड़ की एसेट, 130 करोड़ का डेट, करीबन 470 करोड़ नेट बचा डिवाइडेड बाय 2.5 करोड़ शेयर्स, तो 150-200 रुपए की वैल्यू मिलती है और प्राइस था 5-10 रुपया। ऐसे कई एग्जांपल्स हमने देखे हैं और आगे भी देखते रहेंगे और अभी भी देख रहे हैं। तो इन्वेस्टर अगर ये सब चीज पे फोकस करेगा तो उसको किसी के पास टिप लेने की जाने की जरूरत नहीं। एब्सोल्युटली। सो ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो वैल्यू आपको दिख रही थी कि जो टोटल असेट्स की वैल्यू थी वो 150-200 रुपये करीब पर शेयर की आसपास की थी और जो बाज़ार में स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो 5-6 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो व्हेन वी स्पोक अबाउट दिस अर्लियर आपने कहा था कि आप ऐसी कंपनीज ही देखते हैं कि जहाँ पे द करंट मार्केट प्राइस इज ट्रेडिंग एट लाइक 5-10% ऑफ द टोटल असेट वैल्यू, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि आप फॉलो करते हो, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे। सी इस मॉडल में क्या फेल्यूर के चांसेस काफी कम है। देखिए कहीं भी चीज आप जैसे आप एक मार्केट में जाके एक मोबाइल खरीदिए नया मोबाइल सैमसंग S21 लेट्स से 70,000 रुपये में आपने मोबाइल खरीदा, 10 दिन बाद आपको पता चला कि डिफेक्टिव, आपने तो ग्रे मार्केट में से खरीदा है सो वारंटी नहीं है, यू कांट रिप्लेस इट, आपको पता है डिफेक्टिव है, बार बार हैंग हो रहा है फोन, आप कहीं जा रहे हो उसको बोल रहे हो भैया डीलर के पास मेरे को ये बेच देना है, चलो तो मेरा मिस्टेक हुआ बेच देना है, क्या वैल्यू देगा वो, बोलेगा कितना समय, बोला 10 दिन पुराना है, तो बोला ठीक है मैं आपको 50,000 रुपया देता हूँ। तो आपका 70,000 की एसेट 50,000 आप रियलाइज कर चुके हो, कर सकते हो, तो आपका नेट लॉस सिर्फ 20,000 रुपया है। तो कहने का पॉइंट ये है कि कोई भी एसेट होती है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है, फिजिकल वैल्यू होती है।
हम लोग ये हमेशा इसलिए कंसिडर करते हैं कि भाई कभी ना कभी अगर प्रमोटर नई कंपनी चला पाया तो वो प्लांट बेच देगा, कंपनी बेच देगा। अगर उसकी 200 करोड़ के असेट है तो 25 करोड़ में तो नहीं बेचेगा, डिस्काउंट में भी बेचेगा तो 150 करोड़ में बेचेगा। अगर वो 150 करोड़ रुपया घर में लेके जा रहा है और कोई नया प्रमोटर ले रहा है तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं उस बाय ओपन ऑफर में उसको शेयर बेच दूं 150 करोड़ के मार्केट प्राइस पे वैल्यूएशन पे, या मैं नए प्रमोटर के साथ में चल पड़ो। तो दोनों ही सिचुएशन में मेरी जीत होने वाली है उसमें। तो जहां भी कोई असेट क्लास आपको दिखता है जिसकी वैल्यू सब्सटेंशियल है और आप काफी डिस्काउंट में या 5 या 10% में उसको देख रहे हैं ना, वहां आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, वो फैक्टर जरूरी है क्योंकि बैलेंस शीट में हमेशा कॉस्ट दिखाई जाती है। बैलेंस शीट में आपको प्लांट की वैल्यू या असेट की वैल्यू कॉस्ट बेसिस पे दिखाई जाएगी, तो वहां आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि ये प्लांट की मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको रियल डेट जो है उसका, वो डेट माइनस करके नेट असेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नेट एसेट वैल्यू को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो आपको करेक्ट पिक्चर मिलेगा। यहां मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा, रिसेंटली हमने कंपनी देखी, कुछ एग्जांपल आंचल इस्पात। आंचल इस्पात का वो कंपनी बैलेंस शीट में एक लाइन लिखा हुआ था कि एनसीएलटी में से कंपनी बाहर आ गई। अभी जब एनसीएलटी में से बाहर आ गई विदाउट हियरिंग, इसका मतलब ये होता है कि उसने डेट रीपे कर दिया होगा। तो हमने जब बैलेंस शीट में और खोजबीन की तो डेट वाले कॉलम में वहां लिखा था कि उन्होंने 119 करोड़ का नया डेट लिया और 80 करोड़ का जूना डेट दे दिया है। अभी जब नया डेट आया तो अगले 18 महीना तक कंपनी एनपीए नहीं हो सकती है, ये रूल है आरबीआई का। तो कंपनी का ये अकाउंट स्टैंडर्ड है। तो हमने ये देखा कि भाई कंपनी डिफॉल्टर नहीं है, स्टैंडर्ड हो गया। अब लेट अस सी कि इसके असेट की क्या साइज है। तो उसका प्लांट का साइज था 1,00,000 टन का टीएमटी बार का प्लांट था उसका, रेलिकॉन करके कोई ब्रांड है जो डिफेंस में सप्लाई होता है। तो हमने अलग अलग सोर्सों से तपास कर किया, कोई काफी मेटल वालों से बात करी और सभी का एक ओपिनियन निकला कि ये 220 या 250 करोड़ की वैल्यू का प्लांट है। बुक्स में कुछ भी दिखाया हो 20 करोड़ या 10 करोड़ दिखाया होगा क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होता है। तो हमने एक एस्टिमेट लिखा है कि 250 करोड़ की असेट है, इसमें 80 करोड़ का डेट है, नया 120 किया था उसमें रीपे तो 80 हुआ था, 40 करोड़ वर्किंग कैपिटल होगा। तो 80 करोड़ निकालने के बाद अगर नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करके देख रहे तो उसकी प्राइस आ रही थी 85 रुपीज और शेयर प्राइस थी 5 रुपया। तो 20x तो सामने दिख ही रहा है, अभी भी स्टॉक सिर्फ 2x ही है, 5 रुपया का 10 हुआ है, पर स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर मेरे को 85 रुपीज की दिख रही है प्राइस तो ये आगे जाके वो प्राइस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। या तो ये प्रमोटर 40 करोड़ जो ले रहा है इससे इसको टर्न अराउंड करके प्रॉफिटेबल नंबर्स दे देगा, सेल्स तो है इसके पास, 150 करोड़ का सेल है। अपना दूसरा जो रेशियो बैठता है इक्विटी टू सेल्स, 20 करोड़ के इक्विटी पे 150 करोड़ का सेल, तो कंपनी इफिशियंट है। अब रहा डेट, डेट उसका बाद डिफॉल्ट नहीं है, तीसरा रहा इसके बाद असेट, तो तीनों कैटेगरी में ये फिट बैठता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर बनेगा। तो मैं ये अपने व्यूअर्स को एक खास यहाँ पे बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करें, दीज आर प्योरली फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। हम ये कहीं भी आपको बाय या सेल रेकमेंड नहीं कर रहे, वी आर जस्ट शोइंग दिस एज एन एग्जांपल के कैसे आप पेनी स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करना चाहिए, कैसे आप जो प्रोसेस फॉलो करनी है वो आपको खास ध्यान में रखनी है और वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये थे किशोर ओसवाल जी, इनके साथ हुए इस कॉन्वर्सेशन में हमने देखा कि कैसे आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपना असेट एलोकेशन मॉडल प्रॉपर कर ले। इसके बाद हमने कुछ इनके क्राइटेरियाज भी देखे जो कि ये फॉलो करते हैं पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले। आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी ज़्यादा इनडेप्थ जाएंगे पेनी स्टॉक्स इन्वेस्टिंग में और जानेंगे कि कैसे आप अपने पेनी स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, एक प्रॉपर प्रोसेस अप्लाई करके अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। इससे पहले आप ये एपिसोड को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और हमारी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हमेशा की तरह रेगुलरली देख सको। थैंक यू। हम 20 कंपनी में पेनी स्टॉक में काम करके उसमें से एक या दो कंपनी में ऐसी निकल गई जो हमको मल्टीपल गेन्स दे रहे, तो हमारा एवरेज रिटर्न बहुत बड़ा हो जाता है।
और ये उसी के लिए एप्लीकेबल है। देखिए क्या होता है, इन्वेस्टर का साइकोलॉजी हमेशा ऐसा रहा है कि मैंने लिया, मेरा 20% बढ़ गया, मेरे को बेच देने का, और फिर बाद में बोलना है कि मेरे तो नसीब में ही प्रॉफिट निकली।